हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम साइड पॉकेट लगाना सीखेंगे। इस तरीके से आप किसी भी कमीज़ में, कुर्ती में, टॉप में साइड पॉकेट लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी नेक बना लिया है और देखिए यहाँ पर हमने अपनी साइड जो हमारे फिटिंग के निशान होते हैं वो भी लगा लिया है, दोनों साइड्स पे लगा लिया है। देखिए, जब हम कटिंग करते हैं तो हम हमेशा इस साइड की तरफ निशान लगाते हैं, बट जो पॉकेट होती है वो ज़्यादातर राइट साइड की तरफ लगती है। तो जो हमारा राइट साइड आता है कुर्ती तैयार होने के बाद, वो ये वाला होता है हमेशा। तो हमेशा जब भी आप एक पॉकेट लगा रहे हैं तो हमेशा आपको इस वाली साइड की तरफ लगाना है। तो जब भी आप पॉकेट लगा रहे हैं तो हमेशा आपको लेफ्ट वाली साइड की तरफ लगाना है। इन निशानों को देखिए, हमने बिल्कुल अच्छे से गहरा करते हुए लगा लिया है। अब नीचे की साइड से, ये हमारा चाक वाला पार्ट है, तो चाक वाले पार्ट से, और हिप भी कहते हैं हम इसे, तो हिप वाले साइड से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। अब इससे ऊपर हमें 6 इंच का निशान लगाना है और ये निशान आपको इतना बड़ा लगाना है जिससे कि आपका हाथ इसमें इजीली से चला जाए। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच या 6 इंच आप लगा सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमारी सिलाई आएगी वो यहाँ से यहाँ तक पहले आपको सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से जहाँ से हमने निशान लगाया था इतने पार्ट पर आपको कोई सिलाई नहीं चलानी। यहाँ पे हमारी कोई सिलाई नहीं आएगी और यहाँ से फिर आपको सिलाई पक्की करना है, स्टार्ट करना है, और नीचे तक चौक तक हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो इस वाली साइड की तरफ, जिस साइड हम पॉकेट लगा रहे हैं उस साइड पर हमें इतना स्पेस खाली छोड़ना है, और यहाँ पर और नीचे की साइड पर सिलाई लगा लेनी है। और जिस साइड पर हम पॉकेट नहीं लगा रहे हैं उसमें आपको एज इट इज़ जैसे हम नॉर्मली सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें पूरे में हम नॉर्मली सिलाई लगा लें। अगर आप दोनों साइड की तरफ पॉकेट लगा रहे हैं तो आपको सेम जैसे हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है वैसे ही आपको यहाँ पे भी स्पेस छोड़ते हुए तरीका बिल्कुल सेम रहेगा दोनों साइड पर पॉकेट लगाने का। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों साइड्स पर हमने ये सिलाई लगा ली है और इस वाली साइड पर हमने इतनी दूर पर ये सिलाई को छोड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो हमारा बीच सेंटर का निशान है ये हमारी फिटिंग वाला निशान है। सेम निशान को हम नीचे वाली साइड की तरफ भी इस तरीके से लगा लेंगे। जिससे कि हमें पॉकेट लगाने में आसानी रहे, तो दोनों साइड की तरफ ऐसे ही आपको निशान लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हम पॉकेट को कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने ये डबल करके इस तरीके से कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई हमें यहाँ पर 13 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई हम 7.5 इंच ले लेंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा करेंगे। ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहां से हमें इसको देखिए इस तरीके से शेप देनी है। अब सेम जैसे हमने कुर्ती पर निशान लगाया था, नीचे की साइड से करीब 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहां से 6 इंच का हमें इसको ओपन रखना है। 6 इंच या 5.5 इंच ही रखिए, ये हमेशा हमारा ठीक आता है इतना। अब यहां से हमें इस तरीके से राउंड शेप बनानी है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें कुछ राउंड शेप बनानी है। अब इस शेप की हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब सिंपली देखिए यहाँ पर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का ही हमें दबाव लेना है इसमें। पॉकेट के साइड्स में हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम कुर्ती ले लेंगे और इसको अब हमें पॉकेट को इसके ऊपर स्टिच करना है। तो देखिए इस वाले पार्ट को इस तरीके से आप खोल लीजिए और ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं हमें इसी पर सिलाई लगानी है। तो देखिए पॉकेट के जो कट्टू कट हैं हमें पहले से हमने लगा रखा है, इसको भी हम ऐसे ही खोल लेंगे बिल्कुल अच्छे से और इस निशान पर रखेंगे, ऊपर से मिलाएंगे इसे इस तरीके से और नीचे वाले कट से मिलाएंगे। तो आप पहले नाप लीजिए कि ये बिल्कुल आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा। अब इसको रखते हुए हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि आपको सिलाई ऐसे लगानी है जिससे कि आपका ये वाला कपड़ा ना दबे और केवल इसी निशान पर सिलाई लगे। देखिए यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी वाली, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा, ये हमने एक साइड की अभी सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी इसको देखिए स्टिच करना है। ये हमारा निशान है तो निशान पर ही आपको सिलाई लगानी है, कट टू कट मिलाएंगे फिर से। और आप चाहें तो इसको इस तरीके से घुमा लीजिए पूरी कुर्ती को, तभी यहाँ पर आप सिलाई लगाइए। इससे क्या होगा, आसानी रहेगी सिलाई लगाने में और बिल्कुल बराबरी में हमारी सिलाई लगेगी। देखिए दोनों साइड की तरफ हमने ये सिलाई को लगा लिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। और ये देखिए सिलाई पॉकेट लगाने के बाद ये जो हमारे ये वाले पार्ट्स हैं इस तरीके से खुल जाते हैं। और देखिए ये जो पॉकेट है इसको हमने अंदर की साइड की तरफ इस तरीके से गोलाई में इसलिए कट करते हैं जिससे कि ये बाहर की साइड पर दिखाई ना दे। तो आपको भी अंदर की साइड की तरफ ऐसे ही कट करना है और सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। तो अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स कुर्ती को हमने सीधा कर लिया है और ये हमारी राइट वाली साइड की तरफ ये हमारी पॉकेट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पॉकेट बनी है और ये देखें इसमें इजीली हमारा हाथ भी चला जाएगा बहुत ही इजीली। और इसको हमने जो नीचे से राउंड रखा था तो आप देख सकते हैं इधर से बाहर की साइड से भी ये हमारी पॉकेट नहीं दिखाई देगी। इसके चाक वगैरह भी मैंने फोल्ड कर लिए हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ये कम्प्लीट हो गया है हमारा। और ये देखिए इसमें हमारी फिटिंग भी बिल्कुल अच्छे से नजर आ रही है। तो इसमें आपकी फिटिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी बहुत ही फिनिशिंग से ये पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी और बिल्कुल उल्टा सीधा भी कहीं से भी नहीं हुआ है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग से बनी है और फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हमारी आ रही है। ये देखिए कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबा है। तो इसी तरीके से आपको भी बहुत ही ध्यान और आराम से करना है और ये बहुत ही कम समय में लग जाती है, बहुत ही जल्दी लग जाती है और बहुत ही आसान है इसको लगाना। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वाली जो मैंने पॉकेट लगाना आप लोगों को सिखाया पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।